बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा होंडा सिटी 2009 से 2013 तक फ़ैन वायरिंग डायग्राम, मतलब रेडिएटर फ़ैन और कंडेंसर फ़ैन। मतलब रेडिएटर फ़ैन जब गाड़ी गर्म होगा तब कैसे इसका फ़ैन ऑन होता है, एसी जब ऑन होगा तब इसका फ़ैन कैसे ऑन होता है। अगर आपने मेरा होंडा सिटी का एसी वायरिंग डायग्राम नहीं देखा है सबसे पहले वो देख लो, क्योंकि जब एसी ऑन होगा तभी फ़ैन ऑन होगा। तब एसी कैसे ऑन हो रहा है उसके बाद फ़ैन कैसे ऑन हो रहा है तो आपको को पता लग जाएगा। सबसे पहले आप एसी वायरिंग डायग्राम देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। उसके बाद आप इसका फ़ैन वायरिंग डायग्राम देख लो, बहुत ही इजी तरफ से मैं समझाऊंगा इसका फ़ैन वायरिंग डायग्राम, आप समझ जाओगे। चलो वीडियो देरी ना करके वीडियो शुरू कर दे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जैसे कि मेरा एसी के रिलेटेड जितना भी वीडियो मिलेगा आपको, हर गाड़ी का एसी के रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम आता है मैं उसका सारा सोल्यूशन करूँगा, सारा वायरिंग डायग्राम करके आपको दिखाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो और अपना दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। चलो सबसे पहले देख लेते हैं होंडा सिटी 2009 से 2013 तक इसका फ़ैन वायरिंग डायग्राम करने के लिए होंडा कंपनी ने क्या क्या कंपोनेंट यूज़ किया है। सबसे पहले यहाँ से एक बैटरी का पॉजिटिव मिल जाएगा, उसके बाद 100 एम्पेयर का एक टर्मिनल फ्यूज़, उसके बाद एक इग्निशन स्विच, ये रहेगा आपका इग्निशन स्विच, ये जो बॉक्स देख रहे हो ये होगा आपका अंडर डैशबोर्ड फ्यूज़ बॉक्स, फ्यूज़ और रिले बॉक्स, मतलब डैशबोर्ड के नीचे ये फ्यूज़ बॉक्स रहेगा। उसके बाद ये जो बॉक्स देख रहे हो ये दो रिले होगा, एक होगा रेडिएटर रिले और ये होगा आपका कंडेंसर रिले, ये होगा आपका रिले बॉक्स, ये होगा आपका एसी कंडेंसर फैन का मोटर, ये होगा रेडिएटर फैन मोटर। उसके बाद चाहिए आपको एक ईसीएम, ये रहेगा आपका ईसीएम, ये इसमें गाड़ी में रहेगा ईसीजी सेंसर, दो दो ईसीजी सेंसर के साथ इसका फैन ऑन ऑफ होगा। ईसीजी सेंसर यूज किया जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंजन कूलिंग टेम्परेचर सेंसर। ये सेंसर काम करता है गाड़ी जब ओवरहीटिंग हो जाएगा तो इसका फैन ऑन करने के लिए ये सेंसर लगाया जाता है। इसमें हर गाड़ी में एक सेंसर लगाया जाता है, इसमें दो सेंसर कहाँ लगाया जाता है, इसका एक सेंसर लगाया जाता है रेडिएटर के नीचे लगाया जाता है और एक इंजन के इन रेडिएटर से जो हॉर्स पाइप सीधा इंजन में जा रहा है वहाँ पर और एक सेंसर लगाया जाता है। अब एक कंपनी का मैटर है वो सेंसर कितना लगा, एक लगाए, 10 लगाए, 20 लगाए, हमारे को सिर्फ समझना है इसका काम कैसे करता है। अब इसका एसी का सिस्टम, अगर आपने होंडा सिटी का एसी वायरिंग नहीं देखा होगा तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, तभी मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप जब एसी स्विच ऑन करोगे तो यहाँ से नेगेटिव आएगा, ये याद रखना, अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आपको पता लग गया होगा। यहाँ से नेगेटिव आएगा प्रेशर स्विच में, अगर आपका गाड़ी में गैस है तो प्रेशर स्विच ऑन होगा, अगर आपका गाड़ी में गैस नहीं है तो प्रेशर स्विच ऑफ हो जाएगा। तो प्रेशर स्विच से होते हुए ये सीधा जाएगा MICU, ये होता है मल्टीप्लेक्स इंटीग्रेटेड कंट्रोल यूनिट, ये फ्यूज़ और रिले बॉक्स के अंदर ही एक मॉड्यूल लगा हुआ रहता है। ये यहाँ से अब इसको इस MICU को सिग्नल आ गया जो एसी ऑन हो गया। अब MICU इसका जो कंट्रोल मॉड्यूल है ये सीधा क्या करेगा, सीधा जाएगा गेज कंट्रोल मॉड्यूल में, इस मॉड्यूल से ये दो वायर कैन कम्युनिकेशन सिस्टम से ECM से कनेक्ट करेगा। चलो अब देख लेते हैं इसका वायरिंग कैसे किया। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेडिएटर और कंडेंसर फैन का जो पॉजिटिव सिग्नल है वो कैसे दिया है इसमें। ये जो टर्मिनल फ्यूज से 100 एम्पीयर का जो वायर जा रहा है, व्हाइट कलर का वायर, यहाँ से नीचे आ गया इस फ्यूज बॉक्स में, इसमें दो फ्यूज आ रहा है, एक फैन का 30 नंबर पे आएगा, कंडेंसर फैन में 30 नंबर पे आएगा, तो आपका यहाँ पर आ गया पॉजिटिव सिग्नल। उसके बाद यहाँ से एक फैन और एक 30 नंबर आएगा आपका रेडिएटर फैन के अंदर 30 नंबर। एक चीज समझ लो, इस गाड़ी में होंडा सिटी में हाई स्पीड लो स्पीड नहीं है, इसका एक ही स्पीड चलेगा। तो रेडिएटर फैन और कंडेंसर फैन का मतलब होता है रेडिएटर फैन और कंडेंसर फैन, इसमें दो फैन लगाया जाता है, जब आप एसी ऑन करोगे तब भी दो फैन ऑन होगा, जब रेडिएटर का कोई गाड़ी गर्म होगा तब भी दो फैन ऑन होगा। तो आपको समझाने के लिए रेडिएटर और कंडेंसर फैन मैंने अलग अलग करके बोल रहा हूँ। चलो
उसके बाद जब इसमें 30-30 नंबर पे पॉजिटिव सिग्नल आ गया, अब इसको 85 नंबर पे और एक पॉजिटिव चाहिए। अब जब आप इग्निशन ऑन करोगे, जब आप इग्निशन ऑन करोगे, 7.5 एम्पेयर का एक वायर सीधा आएगा आपका ब्राउन कलर का, आएगा 85 नंबर पे, ये रहेगा आपका पॉजिटिव। यहाँ से एक वायरिंग ब्रेक होके सीधा आएगा कंडेंसर रिले में, ये भी 85 में आएगा, तो आपका रिले में दोनों में पॉजिटिव सिग्नल आ गया। अब पॉजिटिव सिग्नल यहाँ से आ गया, अब इसको चाहिए कि नेगेटिव सिग्नल। अब इसको नेगेटिव सिग्नल कहाँ से मिलेगा, वो देगा ईसीएम। अब ईसीएम इसको नेगेटिव सिग्नल क्यों देगा, चलो वो देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ईसीजी सेंसर को। ईसीएम से सबसे पहले ये 10 नंबर पर एक वायर, पिंक कलर का वायर सीधा जाएगा ईसीजी सेंसर 2 नंबर पे। दूसरा नंबर जो ईसीजी सेंसर होगा, जो इंजन के साथ कनेक्ट होगा, वो रहेगा ईसीजी सेंसर 2 नंबर पे। और लाइट ग्रीन कलर का एक वायर सीधा जाएगा ये 34 नंबर पे, यहाँ से आ गया नेगेटिव, ये आएगा आपका पॉजिटिव और ये आएगा आपका नेगेटिव। तो ईसीजी सेंसर को अब गाड़ी को पता लग गया, ईसीएम को पता लग गया, आपका ईसीजी सेंसर से पता लग गया गाड़ी का टेम्परेचर, मतलब कूलेंट का टेम्परेचर कितना है, और एक जो सेंसर है रेडिएटर के अंदर जो कूलेंट है उसको पता करने के लिए यहाँ से क्या करेगा, 24 नंबर वायर से पिंक कलर का वायर सीधा आएगा यहाँ से एक पॉजिटिव के थ्रू, और यहाँ से एक नेगेटिव के थ्रू आएगा आपका ग्रे कलर का एक वायर सीधा आएगा आपका ईसीजी सेंसर में एक नेगेटिव का थ्रू। तो ईसीएम को पता लग गया, जो ईसीएम को पता लग गया गाड़ी गाड़ी का अंदर टेम्परेचर कितना है। अब इसका टेम्परेचर का तो पता लग गया, अब हम देख लेते हैं जब एसी ऑन होता है तब कैसे होता है। ये दोनों सेंसर लगाया जाता है जब गाड़ी गर्म होगा तो फैन को ऑन कर देने के लिए। तो ये देख लेते हैं जब एसी ऑन होगा तब ये फैन कैसे ऑन होगा। जब आप एसी स्विच ऑन करोगे, यहाँ से एक 8-3 आएगा सीधा प्रेशर स्विच में। जब गाड़ी में गैस रहेगा ये 8-3 सीधा आगे आएगा EMICU फ्यूज और डिले बॉक्स में, इस मॉड्यूल में आएगा। इस मॉड्यूल से आते हुए बी कैन कैन कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करके एक वायर सीधा जाएगा लाइट ग्रीन गेज कंट्रोल मॉड्यूल को सिग्नल देने, जो कस्टमर ने एसी ऑन कर दिया। अब आप ही इसका ग्राउंड भेज के इसका एसी ऑन कर दो। अब कैन लो रेड कलर का वायर A4 नंबर पे जाएगा ईसीएम में, कैन कम्युनिकेशन में जाएगा। उसके बाद कैन हाई व्हाइट कलर का वायर A3 जाएगा कैन में। अब ईसीएम को पता लग गया एसी ऑन हो गया, जब एसी ऑन हो गया और गाड़ी ओवरहीटिंग हो जाएगा, तब ईसीएम सीधा इस रिले को एक ग्राउंड भेजेगा। वो देख लेते हैं, एसी का सिग्नल आ गया और गाड़ी ओवरहीटिंग का सिग्नल आ गया, इस दोनों में से कोई भी एक सिग्नल अगर ईसीएम को आ गया, तब ईसीएम क्या करेगा, यहाँ से एक ग्रे कलर का एक वायर सीधा जाएगा आपका रेडिएटर फैन के अंदर, ये वायरिंग होगा, ये वायरिंग ईसीएम से आएगा, ये 6 नंबर वायरिंग ग्रे कलर का वायरिंग, ये सीधा जाएगा आपका ईसीएम के अंदर। जब ईसीएम के अंदर जाएगा तब 86 नंबर पे नेगेटिव आ जाएगा और इधर 86 नंबर पे नेगेटिव आ जाएगा, तो दोनों पॉजिटिव तो मौजूद है, अब नेगेटिव भी आ गया। जब नेगेटिव आ गया तो यहाँ से एक मैग्नेट बन गया, मैग्नेट बनने से ये जो चीज़ है ये खींचने लगेगा इधर, तो ये आपस में जुड़ जाएगा, 30 और 87 नंबर आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ से 30 एम्पीयर का एक जो करंट का फ्लो सीधा आएगा रेडिएटर फैन में, रेड कलर का वायर से सीधा आएगा रेडिएटर फैन में पॉजिटिव का थ्रू। अब रेडिएटर फैन का यहाँ से ये नेगेटिव ले लेगा, तो आपका फैन फुल स्पीड में चलना शुरू होगा। उसी के साथ ये भी रिले एक्टिवेट होगा, जो 30 और 87 नंबर 30 एम्पीयर से एक वायर सीधा ब्लू कलर का वायर आएगा आपका एसी कंडेंसर फैन में पॉजिटिव। उसके बाद ब्लैक कलर का यहाँ से नेगेटिव मिल जाएगा, तो एसी के साथ भी पंखा फैन चलेगा और रेडिएटर के साथ भी फैन चलेगा। बहुत ही इजी वायरिंग डायग्राम है, आई होप आप समझ गए। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। और आने वाला ऐसा वीडियो देखने के लिए, और भी वायरिंग डायग्राम इलेक्ट्रिकल काम को समझने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। अस्सलाम वालेकुम।